ओके कोड़ी, तुम रेडी हो? इस स्लाइड का डिजाइन तो बहुत अच्छा है ग्राहम। थैंक्स। पता है इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल ये कैलकुलेट करना था कि हर सेकंड कितने गैलन पानी। समझ गया, अच्छा बना है, शाबाश। इसका जवाब नहीं, ये कितना अच्छा है, तुमने इसे बनाया है। हाय, मैं हूँ एमी, मैं इस टाउन में अभी नई आई हूँ। और वाओ, तुमने लूप को बनाने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कम कैसे किया? वो मैं असल बात ये। मैं समझती हूँ, कोई इन्वेंटर अपने इन्वेंशन की डिटेल्स नहीं देता, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी। नहीं, ये मैं, रुको, मुझे क्या हो रहा है? फिक्र मत करो बेटा, ये आइलैंड बहुत छोटा है, वो तुमसे फिर मिलेगी। चीफ, चीफ, आप सुन रहे हैं? क्या बात है बाने? डॉक्टर मोरक्को जेल से भाग गया। मोरक्को की हथकड़ियों में जीपीएस माइक्रोचिप लगी है, अगर उसने वो पहन रखी है तो हम उसे पकड़ लेंगे। डॉक्टर मोरक्को, खुद को हमारे हवाले कर दो। मुझे लेने आ गई रेस्क्यू टीम, सॉरी मेरा थोड़ी ताजा हवा खाने का मूड हो रहा है। घूमने फिरने का वक्त खत्म हुआ डॉक्टर, अब वापस जेल की हवा खाओ। सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर सिकंदरों से करों की रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू। अब तो ये पक्का है कि ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। कांस्टेबल, क्या मुझे एक किताब मिलेगी और एक स्केच पैड ताकि मैं आराम से टाइम पास कर सकूं? पहले तुम्हें उन चीजों के लायक बनना होगा। बानी, मुझसे पूछे बिना इस सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ गए? चीफ बोल रहा हूँ। क्या कहा? शहर में बंदर आ गया? अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने वो बंदर देख लिया। तुमसे मिलकर खुशी हुई नन्हे बंदर। थैंक्स बोल्डर, इसे अंदर दे दो ताकि ये फिर से खुलाना घूम सके। इसके गले में पट्टा है, मतलब ये किसी का पालतू है। इसका नाम है एमे। तुम्हें अपने इस नन्हे दोस्त पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए, इस तरह से तो ये किसी खतरे में पड़ सकता है। इसे पकड़ने के लिए थैंक यू। लगता है तुम इसे बहुत अच्छे लगे। वैसे काश ये फिर से भाग जाए, मेरा मतलब कि काश ये अक्सर ऐसे ही भाग जाए। नहीं, वो लगता है अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। ओह खैर, तुम्हारा शुक्रिया। पता है मैंने गड़बड़ कर दी। लगता है तुम्हारे बातचीत के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है। नहीं बोल, दरअसल मुझे लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती है। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन घबराना नहीं, बड़ा भाई है ना, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, और अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तन के खड़े रहो, सीना तान कर चलो जैसे कि तुम कोई राजा हो। लड़कियों को जरा सा स्टाइलिश सल्यूट दो ऐसे।
उन्हें डराना नहीं है समझे? ग्रैम का कोई जवाब नहीं, उसका वाटर स्लाइड तो बड़ा कमाल का था। सही कहा, और ये बहुत अच्छा पार्टनर है। लड़कियों को पार्टनर नहीं चाहिए होता है, उन्हें मेरे जैसे लड़के पसंद आते हैं। अच्छा अब समय आ गया है अपना छुपा रुस्तम तरीका आजमाने का। बेहतर होगा तुम इसे छुपा कर ही रखो, इसकी बदबू से मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। ये इम्पोर्टेड परफ्यूम है, मेरा पसंदीदा सेंट, लड़कों के लिए। चलास। केट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। यही तो परेशानी है कि तुम ऐसे हो ही नहीं है ना। चलो भेलना मत, पहले इसे हटा दो और अब मैं इसे भी हटा दूंगा और अब तुम्हारे बालों को। आहा, ओहो क्या बात है, अब देखो अपनी शक्ल। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। थैंक्स की जरूरत नहीं, और अब हम फील्ड टेस्ट करेंगे, चलो कैफे में। मैं सुनो तो, ग्रिफिनडॉर्क इमरजेंसी। कोटी, मैं डिप्टी बानी बोल रहा हूँ, क्या चीफ से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर मोरोक्को का मामला है। अरे नहीं, अब उसने क्या कर दिया? मत करो, वो अपने सेल में अपने नए शौक में बिजी है। एंट फार्म। बाने, मैंने कहा था ना कि सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। कहा था चीफ, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, वो तो बस मामूली चींटियां हैं और उनसे डॉग का मन लगा रहेगा, और वो पंखा अच्छी हवा देता है। तुम जरा होशियार रहो रस्टी, लगता है प्रोफेसर क्रम्पेट तुम्हारे खाने के पीछे पड़े हैं। लगता तो है उसका मन लग गया है। चलो मैं इसकी इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन बानी तुम्हें सख्ती से काम लेना पड़ेगा। वैसे मैंने और चीटियों का ऑर्डर दे दिया है, पर उसके बाद। यस सर। मेरी चीटियों को सुरीले गाने पसंद हैं डिप्यूटी, क्या तुम हमें अपना रेडियो दे सकते हो? वैसे रेडियो देने में क्या दिक्कत है, आपकी चीटियां भी बोर हो गई होंगी है ना। केट, अब हम घर चले क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे खबर मिली है कि एमी हर रोज इसी समय वहाँ पर आती है। देखो वो आ गई। चलो छिप जाओ। चुप हो जाओ। तुम मिस्टर बॉन्सी हो ना? हाय। कैसे हो? और टेस्ला ने भी तुम्हें हेलो बोलने को कहा है। हाय। तो आज तुम क्या कर रहे हो? मैं अच्छा, तो फिर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय। हम इसलिए छिपे थे, बात बन रही थी। क्या किया? मेरे ख्याल से मैंने इस बार भी गड़बड़ कर दी। सही कहा, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया ब्रो, मामूली सी चीज नहीं कर सकते, मेरा नाम खराब करोगे तुम। वैसे मैं एक नया तरीका बता सकता हूँ, चॉकलेट वाली बढ़िया टॉफी और रंग बिरंगे फूल लड़का और लड़की की बात को आगे बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। तुम्हें लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, यूँ समझ लो कि मैं एमी हूँ। फूल दो ना। ये सब चीजें देने के बारे में मुझे आइडिया नहीं आ पाते ब्लेड्स। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। थैंक्स, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसे मैं बेझिझक एमी से बात नहीं कर पाता। केट बनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना है, तुम साइंस में माहिर हो तो उसी का इस्तेमाल करो। तुम्हारी दरिया दिली और ना समझी के लिए थैंक्स डिप्यूटी। और मेरी नन्ही चीटियों, माना कि तुम्हें हुक्म देने के लिए कोई रानी नहीं है, मैं हूं ना। रुको, ऊपर चढ़ो। अब डॉक्टर ग्रीन की लेबोरेटरी में जाओ, बर्न्स फैमिली को अब पता चलेगा कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर कैसा लगता है। डैड, आपने मेरी केमिस्ट्री की किताब कहीं देखी है? मेरे ख्याल से मैंने उसे यही कहीं। क्या बात है फ्रैंकी? मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर मोरोक्को की कोई भी चीज मेरे आसपास रहे, खासकर ये मॉर्बॉट, मुझे इससे डर लगता है। सॉरी फ्रैंकी, इसकी सर्किटरी को समझने के बाद मैं इसके पावर पॉट की जांच करना चाहता था, लेकिन मुझे इसका पावर पॉट नहीं मिल रहा, लगता है जैसे गायब हो गया।
हाँ, डैडी यहाँ कितनी चींटियाँ हैं और आप खाना इधर उधर छोड़ देते हैं तो वो यहीं जम जाती हैं। सही कहा मेरी छोटी सी नानी, चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन अब से मैं अपनी लैब को शीशे की तरह एकदम साफ रखूंगा। पहले आप खुद को साफ करो वरना चींटियाँ आपको खाना समझ लेंगी। गुड मॉर्निंग साथियों। ग्राहम, तुम कुछ अलग लग रहे हो और खुश भी, आखिर बात क्या है? जाहिर सी बात है, मेरी जबरदस्त ट्रेनिंग का असर थोड़ा देर से हुआ है। तुम ठीक तो हो ना बेटे? बहुत बढ़िया, साइंस का कमाल। साइंस क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे केट का परफ्यूम पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पीछे छिपे मकसद में दम था, इसलिए मैंने अपना खुद का परफ्यूम बनाने का फैसला किया। जरा देखूं तो, वाओ, इसकी खुशबू तो कमाल की है, मजा आ गया। बहुत हूँ ब्रो। ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है, तो जब लोग इसे सूंघेंगे तो वो मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे, है ना कमाल की बात? तो तुम्हारी लड़कियों से बात करने की दिक्कत दूर हो गई, ये उसे खत्म कर देगा। मैंने इसका नाम रखा है कॉन्फिडेंट मी, क्योंकि यही इसका काम है, ये मेरी हिम्मत बढ़ा देता है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, हमारे मिस्टर फाइफर, बेकरी में आग लग गई है। मिस्टर फाइफर अंदर ही फंसे हुए हैं। हीट वेव, उन्हें बाहर निकालो। अगर आप आग नहीं झेल सकते तो मेरी सलाह है कि बेकरी का काम बंद कर दें। इन झुलसे हुए निशानों से लग रहा है कि आग यहीं से शुरू हुई थी। ये क्या है? लगता है जैसे किसी चीज ने सावन में छेद किया था। ये देखिए डॉक्टर मराको, एक ही रात में और चींटियों का बहुत बड़ा पैकेज आ गया है, बेशक हजारों की तादाद में होंगी इसके अंदर। मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट, जल चुकी ग्रिफिन रॉक बेकरी से लाइव खबर दे रहा हूँ। ग्राम बंस, क्या आप हमें बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था? हक्सली, आप पूछ रहे तो जरूर बताऊंगा। ऐसा लगता है कि बेकरी की बनावट में किसी काम की वजह से आग तेजी से फैल गई। समझदार, बहादुर और ये बहुत ही अच्छा महक रहे हैं, आपके शहर की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर है। तुम्हारा नया परफ्यूम वाकई काम का है ग्राम, कैमरे के सामने तुम्हें इतना बेफिक्र पहले कभी नहीं देखा। ये सब मेरे परफ्यूम का कमाल है, इसे सूंघते ही लोग मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। ग्राम, मैं तुम्हें पसंद करूं इसके लिए तुम्हें कोई नकली खुशबू लगाने की जरूरत नहीं। आओ, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे सुई चुभी हो। ये तो मामूली चींटी है। एक चींटी बोल्डर को कैसे परेशान कर सकती है, अजीब बात है। हे ग्राम, लगता है तुम पर भी कुछ चींटियां चढ़ गई हैं। किसे पता था कि नाजुक सी चींटियों के दांत इतने नुकीले हो सकते हैं? सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मोरबॉट जेल पर हमला कर रहा है, बानी बड़ी मुश्किल से बच पाया है। क्या हो ही नहीं सकता। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। पता नहीं कितने वक्त पहले हम उस टिन के डिब्बे को ठिकाने लगा चुके थे। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। तुमने कमाल कर दिया मेरे रोबोटिक दोस्त, और ये फर्न डिवाइस, इसको लिए बिना तो मैं जा ही नहीं सकता। वहीं रुक जाओ डॉक्टर मोरको। जरूर रुक जाता, पर जरा जल्दी में हूं। तुम उड़ो और मैं तुम्हें गिराऊंगा। तो चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी रानी बोल रही हूँ, मेरी सेना, हमला। इस बात का क्या मतलब है? दोस्त, ये सिर्फ चींटियां हैं, आखिर वो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? वो मामूली चींटियां नहीं हैं, अक्ल के दुश्मन कहीं के। ये मैरागुंटा आर्मी एंट्स के नायाब म्यूटेंट स्ट्रेन हैं।
इनकी बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है जो मेटल के आर पार भी जा सकता है। वो सही कह रहे हैं, ये खतरनाक है। वो तुम्हारी चींटियां थी जिन्होंने बेकरी के ओवन में छेद किया था। तुम जानते थे हम आग बुझाने में लगे रहेंगे और तुम भाग जाओगे। बिल्कुल, इस डिवाइस से कीड़ों को लगने लगता है कि मैं उनका मालिक हूँ और मैंने उन्हें हुक्म दिया है कि उन्हें जितना भी मेटल मिले उसे चबा जाएं। अब या तो तुम मुझसे झगड़ने में सारा दिन बिता दो या अपने प्यारे शहर को बर्बाद होने से बचा लो। ब्लेड्स कॉप्टर मोड, हम उस पर नजर रखेंगे डैड। ठीक है डैनी, जाओ। कोडी, मोरको की चींटियों की फौज कहीं दिखी? उन्होंने टाउन में दहशत मचा रखी है डैड। उन चींटियों पर कड़ी नजर रखना टीम। उन जगहों पर ध्यान दो जहां मेटल के बर्बाद होने से नुकसान हो सकता है। यानी पूरे आइलैंड को खतरा है डैड। अब थोड़ा नहा लो चींटियों, ये लो मजे करो। नहीं हीट वेव, चींटियों को सीवर में मत भेजो, वो मेटल के पाइप्स को बर्बाद कर देंगी। और सीवर को ठीक करने का काम मैं नहीं करने वाला। मेरी बात सुनो चींटियों, तुम समझदार और सलीके से काम करने वाली क्रीचर्स लगती हो। कानून मत तोड़ो और ये तोड़फोड़ बंद करो। काश मैं इनकी रानी होता। शायद तुम बन सकते हो। कोडी, डॉग को कॉल करो, पता लगाना है कि मोरको का गिज़्मो कैसे काम करता है। क्या कहा आपने, चींटियों को हुक्म देने वाला ट्रांसमीटर? क्या बात है, अगर डॉक्टर मोरको रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर वो फेरोमोन्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज रहा है। फेरोमोन्स? फेरोमोन्स, उसी से चींटियां बहुत दूर तक कम्युनिकेट करती हैं। वो बात करने के बजाय अपनी गन से इंस्ट्रक्शंस देती हैं। तो शायद एक गन उन्हें एंथिल बनाने को कहती है और दूसरी उसे बचाने को कहती है। ये कमाल की तरकीब हो सकती है, लेकिन सारी चींटियां अभी तक मोरको का आखिरी हुक्म मान रही हैं। हमला करो। अगर चींटियां इन फेरोमोन स्मेल ऑर्डर से एक दूसरे से बात करती हैं तो शायद हम उन्हें एक नया हुक्म दे सकते हैं। कॉन्फिडेंट मी से। चींटियों से बात करने का तुम्हारे कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना है? नहीं, ग्राम का परफ्यूम, कॉन्फिडेंट मी, उससे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि कुछ चींटियां उसे पसंद करने लगी थी। अगर ग्राम भरपूर परफ्यूम लगा दे तो मुझे यकीन है हम चींटियों को टाउन पर हमला करने से रोक सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं। डैनी, तुम कहाँ पर हो? समंदर के ऊपर हूँ डैड, लेकिन मोरबोट कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम फौरन फायर हाउस आ जाओ ताकि तुम चींटियों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर जा सको। आखिर मैं आजाद हो गया और यहां से आराम से निकल जाऊंगा। ये क्या है? नहीं, तुम यहां कैसे आई शैतान चींटियों? प्रोफेसर क्रम्पेट, तुम सुन रहे हो? ध्यान से सुनो बदमाश चींटियों, मेरा मेटल खाना बंद करो। लो डैनी, जितनी जल्दी हो सके इसे चींटियों के झुंड तक पहुंचा दो। एमी, हमें पता चला है कि यहाँ स्लाइड की बनावट में कुछ दिक्कतें शुरू हो रही हैं। तुम इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जा सकती हो? बिल्कुल ग्राहम, आओ चलो बच्चों। तीन गिनने पर, एक, दो, तीन। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी तुम सबके लिए। नीचे और आराम से उड़ना ब्लेड्स, सब तुमसे डॉग की लैब पर मिलेंगे। शाबाश ग्रहम, तुम्हारा परफ्यूम तो एक खुशबूदार हल साबित हुआ। सब ने बहुत मेहनत की है,
हमने ग्रिफिन रॉक को बचा लिया अब तक के सबसे छोटे खतरे से। हो गया, एक बार मोटर को चेक करके देखेंगे और फिर नई स्लाइड इस्तेमाल करने के लिए तैयार। मैं दिल से तुम्हारी तारीफ करता हूँ ब्रदर, तुम्हारा परफ्यूम वाकई कमाल है। शायद मैं थोड़ा सा अपने लिए भी ले लूं। वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं। सॉरी किड, मैंने उसे फेंक दिया। क्या क्या? ओह, मुझे एहसास हुआ कि फेरोमोन से खेलना खतरनाक हो सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तुम्हें कभी नकली खुशबू की जरूरत थी ही नहीं। क्या मतलब? याद है हीट वेव ने तुम पे स्प्रे किया था, फिर उसने फेरोमोन्स को पानी से धो डाला। यहाँ जब तुमने सबकी जान बचाई तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस बॉटल से नहीं आया था, वो वही करने से आया था जिसमें तुम माहिर हो। आई एम सॉरी, लगता है कि मैं टेस्ला को तुमसे दूर कर ही नहीं सकती। हाय एमी, क्या तुम इस स्लाइड के फाइनल ब्लूप्रिंट देखना चाहोगी? वो बहुत अच्छे हैं। आप क्या सोच रहे हैं डैड? काश हम डॉक्टर मोरको को पकड़ पाते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो फिर आएगा। ओह